एक तो बहुत दिन बाद बना रहे हैं तो हम भूल चुके हैं कि ये। तो स्वागत है आपका अभी के ब्लॉग में, आज का ब्लॉग में नहीं, अभी का ब्लॉग में। एक्चुअली है क्या कि अभी हम और करण रूम पे अकेले हैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता है, क्योंकि भाभी भैया और कनिक्स सब कोई का कनिक्स का पेपर ख़त्म हो गया, तो सब कोई गाँव गया हुआ है और करण का लास्ट पेपर कल बचा हुआ है, तो कल तक के लिए करण है, करण भी चला जाएगा। डेली रात में अभी 2-3 दिन से तो हम लेकर आ जाते थे खाना, होटल से ही लेकर आ जाते थे, वहीं फिर हम लोग रात में खा लेते थे और दिन का कुछ बना के जाते थे। वो आज हम लेके आ नहीं पाए हैं, तो सोचे कि क्या किया जाए, तो हम ऑलरेडी करण को बोल दिए थे फ़ोन करके कि एक काम करो, तुम पनीर ला के रखो, आज हम ही पनीर बनाएंगे। बहुत दिन हो गया, अभी हो भी गया था क्योंकि उससे पहले बहन रहती थी, भाभी रहती थी, तो कोई दिक्कत था नहीं। अभी भी है लोग, वो 2-3 दिन में आ जाएगा लोग, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि आज कोई नहीं था, तो हुआ कि भाई चलो इसी बहाने आज हम लोग बना भी लेंगे। क्योंकि अभी हमको लगता है कि 2-3 साल पहले जब हम लोग बैचलर लाइफ रहते थे, हम मिथुन भैया सोनू नितेश सब कोई, तो उस समय हम लोग बनाया करते थे, तो आज बहुत दिन बाद मौका मिला है, तो सामान ला के रखा हुआ है, चलिए फिर बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए फिर किचन चलते हैं और बनाते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग भिड़ जाते हैं अपना खाना बनाने में। आज काफ़ी दिन बाद हम खाना बना रहे हैं, हम सम साल 2 साल बाद, जब बीच बीच में कभी बनाए होंगे, उतना ध्यान नहीं है, मतलब प्रॉपर वे में। उसके पहले भाभी रहती थी, बहन रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं होता था खाने का। अभी भी दिक्कत नहीं है, तो शौक से आदमी बना ले, दिक्कत तो अभी भी नहीं है। दिक्कत तो 2 मिनट का है, बस कॉल जाएगा, खाना आ जाए, बगल में भाभी हैं, बहन हैं, दोनों कोई है। A few moments later. चलिए तो फाइनली हम लोग का हो गया प्याज रेडी, ये अब कर लेते हैं प्याज टमाटर कटिंग। शिमला मिर्च भी काफ़ी है इतना, मेरे ख्याल से 2 आदमी के लिए। यहाँ है हमारा शिमला मिर्च, यहाँ है हमारा, चलिए यहाँ मटेरियल है मेरा रेडी, पनीर का पैकेट। फाइनली हमारा पनीर रेडी हो गया स्लाइस वाइज। फाइनली ये हो गया मेरा पनीर रेडी। ये गैस करते हैं ऑन, इसको हम लोग बोलते हैं छलनी, छलनी। आपको आप लोग क्या बोलते हैं हमको आइडिया है नहीं। फाइनली हो गया, अब इसमें डालेंगे थोड़ा तेल हम लोग। हम पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, और एक ये रख लिए हम, इसको कभी कभी हम कच्चा भी खा जाते हैं, लोग फ्राई कर लेंगे। हाँ
डालते ही सट जाता। इसको थोड़ा सा चला दे पहले। देखिए जैसे ये लाल होगा, थोड़ा सा इसको और अब पलट के लाल कर लीजिए उसके दूसरी साइड से। ज़्यादा नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद इसको आप निकाल लीजिए किसी अलग से बर्तन में। ये देखिए मस्त सा लाल हो गया ये, तो साइड में रख देते हैं। बहुत लोग करता है कि इसको पानी में डाल देता, हम पानी में नहीं डालते। ये अब हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे अब ये सब फ्राई। हम इसको क्या करते हैं, एक साथ डाल देते हैं। जितना भी आप कटिंग प्याज मसाला वगैरह ये सब रखे हुए हो आप एक साथ डाल लो। हम खुद डाल देते हैं भाई, अब इसमें घाटा बड़ा जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम जो बनाते हैं जैसे बनाते हैं हम वो बता रहे हैं। एक तो बहुत दिन बाद बना रहे हैं तो हम भूल चुके हैं कि ये बहुत आदमी इसमें फ़ौरन देगा, ये देगा, वो देगा, वो सब हम नहीं देते। हम डायरेक्ट डालें और बना दें। इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं। कुछ देर बाद ढकने के फिर आप इसको मिला दीजिए। स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें दे देते हैं लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम खाते हैं जिसको भाई। अब अगर आपको नहीं खाना है तो नहीं लीजिए। हरा मिर्च ऑलरेडी हम थोड़ा सा दिए हुए हैं, ये दे दिए। पनीर पाउडर मसाला ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो ये यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, दो यूज कर सकते हैं आप मैक्सिमम, अगर कम लोगों में बना रहे हैं तो। बहुत लोग मसालेदार नहीं खाते हैं तो भाई आप अपने हिसाब से मसाला डालिए, हम लोग खाते हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, हल्का सा इसमें पानी मिला दीजिए, हल्का ज़्यादा नहीं, ताकि वो ड्राई नहीं रहे। थोड़ा सा अगर मसाला चेक करना हो तो इसको आप टच कर लीजिए और मसाले में ऐसे ऐसे करके देख लीजिए। अगर खुरदुरा टाइप का अगर लग रहा है आपको तो थोड़ा सा देर और सीखेगा, और नहीं तो आपका मसाला रेडी है। चलिए जब सब कुछ हो जाए, जब लग जाए आपको कि मसाला भुना गया, तब आप इसको पनीर को इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए, जैसे हम लोग को चावल के साथ खाना है तो आप अपने हिसाब से पानी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। जैसे दो जन हैं तो इतना में हम लोग का आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा पानी जब डाल दें इसको एडजस्ट कर दीजिए, दो तीन मिनट छोड़ दीजिए बॉयल होने के लिए। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ ओके है। अब मेरे हिसाब से मेरा ये बन के ओके हो गया, तब हम इसको कर देते हैं गैस पर। 5 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो जो ग्रेवी पतला होता है वो थोड़ा हो जाता है गाढ़ा, उसके बाद अब मज़े में फिर खाई। फाइनली हम लोग का पनीर बन के हो गया, अब रेडी। फाइनली हम लोग का पनीर, हाँ सलाद थोड़ा काट लो तुम। फाइनली दोस्तों पनीर बन के हम लोग का हो गया रेडी।
अब इसका हम लोग इंजॉय लेंगे, देखने में तो सही लग रहा है। अब करण ला रहा है सलाद काट के, उसके बाद हम लोग खाएंगे मज़े से। होप अपना बनाया हुआ है तो सबको अच्छा लगता है, बट आई होप कि सही बना हो, क्योंकि 1-1.5 साल बाद बनाया है, लगभग हाँ उतना हो गया होगा। बीच में कभी कभी बनाते हैं जैसे चिकन वगैरह वो सब बनाते हैं, लेकिन आज पनीर बहुत ही। इसको जल्दी जल्दी हम लोग खा के करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।